अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मलिक सिकंदर एडवोकेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हम लोग ज़रा डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स बिहाइंड द रिफ्यूज़ल ऑफ बेल। उसमें से नंबर एक ये है कि अदालत को मुल्ज़िम जो है वो मुतमईन करेगा कि वो उसकी जो गिरफ्तारी है वो उसके पीछे मेला फाइल्डी क्या है। अगर वो ऐसा अनासर बयान ना कर सके और मुतमईन अदालत को ना कर सके, अदालत जो है वो बेल रिफ्यूज़ कर देती है। दूसरा, अगर वो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुआ, अदालतें जो है वो इंटरिम बेल दे देती हैं मगर उसमें ऑर्डर करती हैं कि वो शामिल तफ्तीश हो, मगर वो शामिल तफ्तीश नहीं हो पा रहा था या वो नहीं होता, जानबूझकर नहीं होता, तो अदालतें जो हैं वो बेल को रिफ्यूज़ कर देती हैं। तीसरा जो है, अगर अदालत मचलके का हुक्म देती है मगर वो वक्त से पहले या वक्त पर वो मचलके जमा नहीं करवा रहा होता या नहीं करवाता, तो उस पर जो अदालतें जो हैं वो बेल रिफ्यूज़ कर देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर अदालत मुतमिन हो जाए, ऐसे एविडेंस आ जाए या ऐसे मामला अदालत के सामने आ जाए जिसे अदालत कंसिडर करे कि ये जो है ये मुलज़िम आदि मुलज़िम है, या लिहाजा इसे जो है बेल ग्रांट ना की जाए, या अदालत को अंदेशा हो कि इसको अगर बेल दे दी गई, ग्रांट कर दी गई, तो अदालत ये बाद में उस सबूतों को या प्रोसिक्यूशन के जो है विटनेसेस हैं उनको ये ख़राब करेगा और डैमेज करने की कोशिश करेगा, लिहाजा अदालतें जो है बेल रिफ्यूज़ कर देती हैं। नेक्स्ट जो है वो अदालतें देखेंगी कि ये मुलज़िम जो है वो बेल के ऑर्डर से पहले या अदालत में वो मुलज़िम गैर हाजिर है, तो अदालतें जो हैं वो गैर हाजिर का भी बेल रिफ्यूज़ कर देती हैं। अब सबसे अहम बात वो ये है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इंशाल्लाह करेंगे वो करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द रिफ्यूज़ल ऑफ बेल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द कैंसिलेशन ऑफ बेल।